का रे छिहत्तरी हाँ? सोचे कि वीडियो हमारा ना वायरल होते तो ला कुछ ना कुछ पे के बदनाम कर दी महादेव भैया के एगो रपुरिया बाबू जी के तो हमारे वीडियो वायरल हो जाए। अरे छिहत्तरी कबो जिंदगी में सुखी ना रहिए समझी, तो दूसरे के बदनाम करके अपन चैनल खड़ा करे चाहे तो जिंदगी में सुखी ना रहिए समझे। ऐसा आ रहा कि हमें शकुनी नानी जो है ना सारा गेम जो है शकुनी नानी रचे अपन जो है झंडा लहरावे खातिर, तो शकुनी नानी सुन ले शकुनी नानी और छिहत्रिया जो ने तो है ना इल्जाम लगा तो महादेव भैया के कि हमें बाजू में हाथ लगाए रहे। अरे डूब के चुल्लू भर पानी मर जा रहे औरत के नाम पे कलंक है तू तो। नमस्ते प्रणाम, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। तो कैसे आप लोग, उम्मीद अच्छे होंगे दोस्तों। और मैं बता दूँ कि मैं दो तीन दिन से वीडियो सही से नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मैं अपने में घर की प्रॉब्लम में ही थोड़ा परेशान हूँ इसके लिए। और इस घटिया और नालायक और बदतमीज औरत से हम कहना चाहेंगे कि जब ये जो है इस शकुनी के नानी के टीम के थी तो गोरखपुरिया भौजी और महादेव भैया के पास क्या करने गई थी, खजुली मिटाने गई थी रे। हाँ तेरा खजुली हो गया, तेरा कीड़ा हो गया तो वो कीड़ा निकलवाने गई थी गोरखपुरिया भौजी और महादेव भैया के पास। हाँ कमीनी छिहत्तरी बदतमीज नालायक औरत बोल रही है कि महादेव भैया हमारे बगल में हाथ लगा दिए थे। अरे कौन शकल दिखाएगी रही अपने गांव टोला में, हाँ फेमस होने के लिए तू इतना कुछ कर रही है। हाँ कभी जितना भी तू कर ले कभी फेमस नहीं हो, किसी को बदनाम करके तू कभी फेमस नहीं हो सकती दोस्तों। ये सारा चाल जो शकुनी के नानी है ना, ये शकुनी की नानी का सबसे पहले ये शकुनी नानी उस लड़की को सिखा पढ़ा करके और महादेव भैया को जो है मार खिलवाती है मतलब थप्पड़ लगवाती हैं। उसके बाद में जो लड़की नहीं फेमस हुई है तो शकुनी की नानी सोची है कि इसको जो है हम फेमस करवाएं किसी तरीके से तो मेरा झंडा लहराएगा। अरे जा रे शकुनी की नानी, कभी जिंदगी में तू जहां है वहीं पर रह जाएगी क्योंकि तेरा हकीकत तेरा असलियत सबको पता है समझी। और ये क्या सोची तो बस मीडिया वाले को बुला करके जो अब क्या बोले ऐसे ऐसे मीडिया वाले टुच्ची मीडिया वाले को वो जा करके बुला के अपने घर पे और इंटरव्यू करवा रही है। सबसे पहले उसी इंसान ने इंटरव्यू किया है वो जो मीडिया वाला है वो भी गोरखपुरिया भाभी से जलता है। क्लियर कह रही हूँ डंके की चोट पे कर जो करना होगा कर लेना मेरा। वो मीडिया वाला भी गोरखपुरिया भाभी से डरता है जलता है और उसके बाद में वो सोचा कि कैसे बदनाम करें तो सबसे पहले उसी के चैनल पे आता है ये इंटरव्यू का वीडियो। उसके बाद में वो वीडियो जब जाता है सोशल मीडिया पे तो सारे इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया वाले आ जाते हैं। अरे का कही रे तोरन के का कही, मुंह से तो बहुत कुछ निकलत है। ये शकुनी के नानी को तो कूच के भरता लगाई मिल जाए तो। इतनी इतनी एक घटिया औरत है, ये चाहती है गोरखपुरिया भाभी को कितना तरीके से बदनाम करे। और वो जो ने और है ना बुलुक्का चुआ रही थी, चैनल वर डिलीट कर दी गोरखपुरिया चैनल वर डिलीट कर दी, चिल्ला चिल्ला के बुलुक्का चुआ रही थी मीडिया वाले से बोल रही थी, ये सारा फसाद के जड़ वही है। अरे जिंदगी में तुम लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे क्योंकि तुम लोग दूसरे को गिराते हो नीचे, दूसरे को गिरा कर अपना आप आगे बढ़ना सोचते हो ना तो कभी जिंदगी में नहीं बढ़ पाओगे आगे। और तुम लोग जहां के वहीं पर रह जाओगे क्योंकि तुम लोग की औकात वहीं तक है। अरे छिहत्तरी जो छिहत्तरी मीडिया में न्यूज दे रही है दोस्तों, ये सकल से इसके पता चल रहा है कि कितना ये झूठ बोल रही है, कितनी झूठी औरत है ये। इसके हर एक शब्द में झूठ लग रहा है। इसको अगर ध्यान से कायदे से देखिए वीडियो इसका तो जो इंटरव्यू दे रही है मीडिया वाले को ये एकदम 100% झूठ बोल रही है। इसकी बातों से पहले ये बोल रही है मैं गोरखपुरिया भौजी के पास गई थी, गोरखपुर की हूँ, हाँ उसके बाद में अपना प्रमोशन करवाने गई थी, उसके बाद में मैं अपना चैनल ठीक करवाने गई थी, फिर उसके बाद बोल रही है मैं ये क्या बोलते हैं शकुनी के नानी के टीम के हूँ। तो किधर किधर जाती है रे, क्या बोले मुंह से, किधर किधर खजली मिटवाती है अपना। हाँ फेमस होने के लिए इतना कुछ कर रही है। अरे थू है तेरे जिंदगी पे, थू है, देख लेना तू जहां पे है ना वहीं पे रहेगी। नाली का कीड़ा को जितना भी कोई उठा करके ऊपर रखेगा लेकिन रेंग कर वो नाली में ही जाएगा। शकुनी की नानी, अरे तोरे शकुनी की नानी तोर होई का यही तो तोरे यार हरकतवा की वजह से आज ते यहीं पर रेंगा ते कीड़ा जैसे है। तोर हरकतवा अगर सही होता ना तो सबके जैसे ते हूँ आगे बढ़ जाते, लेकिन तोर हरकतवा इतना खराब बा कि का बताई। दोस्तों मेरे मुंह से बहुत कुछ निकल रहा है क्योंकि मैं घर पे थी नहीं
और रात में आई हूँ तो रात में थका लगा था, हम सो गए और सुबह मतलब हम देखे वीडियो तो अभी ना हम सोकर उठे तो ऐसे ही देखे वीडियो और उसके बाद में अभी हम चाय नाश्ता कुछ भी नहीं किए हैं तो आप लोग को हमारा चेहरा सोया हुआ लग रहा होगा क्योंकि मैं वीडियो देखी हूँ तो मेरा खून खोल गया है। इसलिए मैं सोचती पहले एक वीडियो बनाकर इस शकुनी के नई और जो सत भतरी जो है इधर उधर खजली मिटावे जाते हैं सबको इल्जाम लगा रही है तो इसके लिए दोस्तों आप लोग इतना शेयर करिए वीडियो की इस शकुनी के नानी और तक पहुंच जाकर मिर्चा भरी कायदे से अगर हमें मिल जाए तो। चलिए दोस्तों मिलते हैं लेस्ट ब्लॉग में, एक अच्छा ढांसू ब्लॉग लेकर आएंगे इस शकुनी के नानी और जो छिहतरिया है जो इधर उधर खजुली मिटावत रही ये खजुली है जो एक मिटाए हम मिटाए खजुली परेशान ना हो। तो आते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, शाम तक आएगा मेरा ब्लॉग। तो जय श्री राम।